नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं लहसुन पर विशेष। आज चूंकि रविवार था और आजादपुर मंडी में छुट्टी थी, तो हमने जितेंद्र खुराना जी को उनके घर पर आज दबोच लिया है। और सबसे पहले जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार। रविवार के दिन आपका समय ले रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि घर आ रहे थे तो हमने खाली हाथ आना उचित नहीं समझा, तो ये सबसे पहले आपको टाइम्स टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, पिछले 10 दिन पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तो लहसुन उस समय पर अपने पीक से नीचे आ गया था, 300 रुपए का लेवल टच हुआ, फिर उसके बाद हमने इसको 10,000 रुपए के आसपास आते हुए देखा और अभी बाजार वापस से उठा है। और पिछले अगर मैं 2 या 3 दिन पहले की बात करूं, तो मध्य प्रदेश की मंडियों से ऐसी खबर भी निकल करके आई कि वहां पर कुछ ढेरी जो है वो 20,000 रुपए पर भी बिकी है, और आज भी कई सौदे 15,000 रुपए पर हुए हैं रविवार होने के बावजूद भी। छुट्टी के दिन कुछ ऐसे सौदे हुए जहां पे हमने भाव 15,000 रुपए के ऊपर जाते हुए देखा, कुछ जो सौदे हमारी निगाह में आए 20,000 रुपए हो गए। क्या इसको ये माना जाए कि लहसुन बाउंस बैक कर रहा है? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा था जब 300 में था कि जब नई फसल आएगी तो ऑटोमेटिकली इसे डाउन आ रही है। हाँ। नई फसल चालू हुई, मार्केट एकदम स्पीड से नीचे आई है और मार्केट 50 रुपए से 100 रुपए में नॉर्मल चल रही थी। थोड़ा बहुत इसमें अब लोगों का इंटरेस्ट हो रहा था कि क्योंकि इस साल भी कुछ कई इलाकों में फसल अच्छी है, कई इलाकों में बहुत कम है। इस बार भी लहसुन में उठा पटक का ये साल रहेगा, ठीक है, अप डाउन का बहुत बड़ा साल रहेगा। तो कुछ लोग अभी एडवांस में ही स्टॉक करने बैठ गए थे पीछे, जब मैंने इंटरव्यू दिया था कि जी गीला लहसुन स्टॉक करेंगे तो काले पड़ेंगे। ये बात होगी 15 दिन 10 दिन 12 दिन पुरानी जी, जब वो गीला लहसुन स्टॉक कर रहे थे, तो मैंने स्पेशल चल के बोला था कि अभी स्टॉक का टाइम आया नहीं, माल सूखने दीजिए। तो उस टाइम भी लोगों को अच्छा नहीं लगा था, बट आज की तारीख में आज जब वो देख रहे हैं कि वाकई में जो 15 दिन पहले स्टॉक किया था वो माल काला पड़ रहा है और वो दोबारा उसको बाहर खेतों में डाल के या गोडाउन से बाहर डाल के उसको सुखाया जा रहा है, तो उनको समझ आ रही है कि मैंने उस टाइम पे सही रोका था। अब जब लहसुन सूखने में जा रहा है तो आप ये ध्यान रखें, ये उठा पटक वाला दौर चालू हो गया। किसी के दिमाग में तेजी आ रही है तो इस भाव में खरीद रहा है, किसी के दिमाग में मंदी दिख रही है तो इस भाव में वो बेच रहा है कि जी मेरे को तो इससे ऊपर नहीं दिखता तो मेरे को तो बेचना है। तो अभी फार्मर्स को तो बेचना ही है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की कई मंडियों के अंदर हमारी जो रिपोर्ट्स आई, नीमच मंडी की अगर मैं बात करूं, मंदसौर मंडी की अगर मैं बात करूं, इंदौर की बात करूं, तकरीबन 20,000 से 25,000 बैग्स जो है वो प्रतिदिन वहां पर रीच कर रहे हैं एक एक मंडी में। ठीक है, फिर कोटा की अगर हम बात करें, हालांकि वहां पे अराइवल्स थोड़ी सी कम है क्योंकि कोटा की मंडी के जितने भी फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को नीमच मंडी में ले जाकर के बेच रहे हैं क्योंकि नीमच मंडी के अंदर उनको ठीक ठाक भाव मिल रहे हैं। वो उस टाइम तो पहले हो रहा था, लेकिन अब जो राजस्थान के किसान राजस्थान में बेच रहे, एमपी का एमपी में बेच रहे, जो बॉर्डर्स पड़ते हैं, नीमच का किसान राजस्थान में आ जाता, राजस्थान इधर प्रतापगढ़ मंडी, निम्बाड़ा मंडी, इधर का किसान उधर चला जाता है, बॉर्डर्स पे थोड़ा हो जाएगा। कोटा वाला हम सोचे कि नीमच जाके बेचेगा, नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे केसेस आए क्योंकि उन्होंने ये कहा फार्मर्स ने कि हमें कोटा में भाव ठीक नहीं मिल रहे और यहाँ नीमच मंडी का भाव सुन करके हम नीमच मंडी के अंदर में क्रॉप बेचने के लिए, बिल्कुल वो पीछे हुआ। तो हमारे पत्रकारों ने उनके काफी इंटरव्यूज भी किए कि किस वजह से आप इतनी दूर कोटा से चल करके और नीमच मंडी में माल बेचने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो व्यथा थी वो सुनाई कि वहां पे भाव ठीक नहीं मिल रहे तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, और नीमच में उन्हें बड़ा अच्छा भाव भी मिला जिसकी वजह से वो काफी खुश भी नजर आए। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी आप पीछे राजस्थान में भी गए, आपने सर्वे किया, उस सर्वे से क्या निकल करके आया? सर, मैं 2 दिन में मैं तकरीबन 6 मंडियां घूमा। हाँ। और वहां किसानों का बहुत प्यार मिला,
व्यापारी भाइयों को बहुत प्यार मिला। हाँ। जो बड़े बड़े वहाँ के आरती हैं, जिनके नाम से वहाँ की मंडियां जानी जाती हैं, वो लोगों के साथ भी मीटिंग हुई। जैसे छिपा बड़ोदे टोटल व्यापारी वर्ग मेरे साथ बैठा था, और छिपा बड़ोदे एक ऐसी मंडी है जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कही जाती है लहसुन के मामले में। तो वहां के सारा व्यापारी वर्ग मेरे साथ कम से कम एक डेढ़ घंटा बैठा, चर्चा हुई। सर, कहीं कुछ इलाकों में तो माल ठीक है, कुछ इलाकों में मालों में दिक्कत है, प्रोडक्शन कम निकली है। सबसे बड़ी बात जो एक निचोड़ निकल के आ रहा है लहसुन में, इस बार रासायनिक प्रयोग बहुत हुआ है। रासायनिक खाद हो गई, केमिकल्स हो गए, फसलों में ज्यादा लगे, तो उससे फसल की मजबूती कम हो गई है। सरकार तो ऑर्गेनिक के ऊपर जोर दे रही है, आप कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स और रसायन का प्रयोग हुआ? हाँ हुआ है। अच्छा, मैं भी ऑर्गेनिक पे जोर दे रहा हूँ, मैं वहीं पे बात हूँ। बात जो लोगों ने इस बार ये पेस्टिसाइड्स लगाया और रासायनिक ज्यादा यूज किया, उसकी वजह से लहसुन में जान जो होती है, स्टॉक कहने की क्षमता कम हो गई इस बार। अच्छा, छिलका होता गया, उसका आने में महीने डेढ़ महीने में आप देखना क्या रिजल्ट आएगा कि इस बार लहसुन में चेके की शिकायत बहुत आएगी। मैं नॉर्मल आम भाषा में बताऊं, चेका कहते हैं जो लहसुन पीला पड़ जाता है या हरे रंग का वायरस फंगस आ जाता है, वो ज्यादा धूप लगने के कारण जब उसमें क्षमता नहीं होती अपने आप को स्वाभाविक नेचुरल वे में अपने आप को बचाने की, तो उसमें धूप लगती है, वो डैमेज होना चालू हो जाता है। सेंटेड लहसुन जिसको हम कई बार बोल देते हैं। तो अब जिन लोगों ने इन भावों पर स्टोक किया है और अभी जो स्टॉक चल रहा है, ठीक है, तो इसका ये मतलब माने कि महीने बाद उनको नुकसान होने वाला है? अगर वो अपना स्टॉक फ्री कर देते हैं तो प्राइजेस तो क्रैश कर देंगे। सर देखिए, इसमें क्या है, सारा लहसुन खराब नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ क्वांटिटी में लहसुन खराब निकलेगा। कितने परसेंट? सर ये अगर किसान संभाल गया तो जितना संभाला उतना कम, नहीं तो मेरे को लगता है 10-15% माल डैमेज होगा। 10-15%, यानी अगर 330 लाख टन के आसपास या 340-350 लाख के टन के आसपास का अगर प्रोडक्शन है, तो इसका 15% अगर हम डैमेज मान करके चलें, तो एक बड़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी 50,000 टन के आसपास का ये माल होगा। हाँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर वो लहसुन हमने स्टॉक किया, हमने 2,000 कट्टा रखा कहीं भी गोडाउन में, और इसमें अगर सिर्फ 5 कट्टे भी डैमेज निकल गए, सिर्फ 5, वो अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो उस गोडाउन में अगर 2,000 कट्टा पड़ा है ना, तो महीने के अंदर 2,000 कट्टे को भी ले डूबेगा। अच्छा, इसकी सबसे खतरनाक दिक्कत ही यही है। ये खराब सेब की तरह समझे कि अगर उससे भी खतरनाक समझे आप? अच्छा, क्योंकि सेब में से जो रस निकलेगा वो दूसरे को दागी गएगा बस। हाँ, इसकी गैस से सारा माल डैमेज हो जाएगा। अच्छा, इससे जो गैस निकलेगी, जो सेंट्रिक लहसुन हो जाता है, उसकी गैस से दूसरा माल खराब होना चालू हो जाएगा। अच्छा जी, तो अभी जब आप लहसुन का सर्वे करने के लिए राजस्थान की मंडियों में गए, फसलें कैसी थी, प्रोडक्शन कैसा दिखाई दिया, और बुआई 10-15% 20% ज्यादा हुई थी? हाँ, बैठक कम निकल रही है। हाँ, बैठक मतलब प्रोडक्शन कम निकल रही है। पर हेक्टेयर क्या माल? सर बीघे में जो 15 क्विंटल निकलना चाहिए, अमूमन नॉर्मल 10 क्विंटल निकल रहा है, कहीं कहीं इससे ऐसे जहाँ से 5-5 क्विंटल 6 क्विंटल। अच्छा जी, तो इतना डेफिशिएंसी नीचे आने का की वजह क्या माने? सर इसमें अब वजह बहुत सीधी स्पष्ट है, क्योंकि दो तिहाई हिस्सा से चीख रहा हूँ, सीधा दो तिहाई हिस्सा उड़ गया, सीधी रसायन डालने के बाद स्पष्ट वजह है। मैं इस बात पे 2 साल से लगा हूँ कि हमारी जमीनों की प्रोडक्शन क्षमता कम होती जा रही है, हमारी फसलों की उगने की क्षमता कम होती जा रही है, जमीनों में जान नहीं बच रही, जिस वजह से ज्यादा रसायन यूज होने से, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होने से बीमारियां बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं।
कैंसर क्रिएट हो रहा है वो इन्हीं वजहों से हो रहा है, हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं। दो साल से मैं इस बात पे लगा हूं कि हमारे को गोमूत्र गोबर का जो मिश्रण है, जो मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि हमारे को एक ड्रम रखना चाहिए, केमिकल के जो ड्रम आते हैं 200-200 लीटर वाले बड़े ड्रम, ढक्कन समेत वो ड्रम खरीद लीजिए, 700-800 हजार रुपए का एक ड्रम आएगा। अच्छा, अब वैसे 500-700 का मिल जाएगा नॉर्मल। उस ड्रम में हर एक पे गोधन है, किसी पे भैंसे है किसी पे गाय, उसको एक ही माना जाता है, गोधन बोलते हैं। आपको पता है आपके गोधन में किस समय गोबर कह रहा है, किस समय मूत्र विसर्जन कह रहा है। जैसे वो गोबर कहता है, गाय गोबर करेगी या भैंस आपकी गोबर करेगी, वो उठाइए उस ड्रम में डालिए, ढक्कन बंद कर दीजिए। गौमूत्र आता है, आपको पता है गाय का ये टाइम है मूत्र विसर्जन का। जितेंद्र जी, तो वो जितेंद्र जी इस पे मेरा थोड़ा सा काउंटर है। हाँ, आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं और प्रोडक्टिविटी वहां पे इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं चाइना का। चाइना हमसे करीब करीब 6 से 8 गुना कम जमीन के ऊपर पे प्रोडक्टिविटी करता है, प्रोडक्शन करता है, और उसका उत्पादन आपके टोटल कुल उत्पादन से 10 गुना ज्यादा है। वो कोई गाय का गोबर यूज नहीं करता, वो कोई किसी तरीके का आपका गोमूत्र यूज नहीं करता, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड की अगर मैं बात करता हूं, उसकी प्रति एकड़ की जो आपकी उत्पादन क्षमता है वो 50 क्विंटल से ज्यादा की है। यानी कि जहां आप 10 क्विंटल की बात कर रहे हैं कि अमूमन इस बार देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन, ऑन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 15 क्विंटल की आपकी उत्पादन क्षमता एक एकड़ में से, लेकिन वो 50 क्विंटल से ज्यादा की प्रोडक्शन ले पा रहा है। हम वहां से क्यों नहीं सीखते कि भाई हमें वो उनका जो मेथोडोलॉजी है उसको थोड़ा सा सीखना चाहिए। हालांकि ये और बात है कि अमेरिका की संसद के अंदर में मुद्दा जरूर उठा, लेकिन अब बताओ क्या हो रहा। मैं वहीं आ रहा। देखिए, जो मुद्दा वहां पे अमेरिका की संसद के बीच के अंदर में उठा और जो हेल्थ के रीजंस बताए, वो एक अलग मैं उसको नजरिए से देखता हूं। देखिए, आपका जो ह्यूमन जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट से ये बात निकल कर क्या है कि चाइना खेती कर रहा है, लेकिन क्या ह्यूमन वेस्ट से खाद नहीं बनती? हिंदुस्तान में भी बनती है, हिंदुस्तान में भी करते हैं लोग जो अपना मलमूत्र छोड़ करके आते हैं खेतों के अंदर में, क्या इसको उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए? लेकिन मेरी यहां पर सिंपल सीधी सी थ्योरी ये कहती है कि कुछ तो है, क्योंकि अगर अमेरिका पूरे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए चीन से लहसुन का इंपोर्ट कर रहा है और बड़ी मात्रा में कर रहा है, और उसका प्रोडक्शन अगर अच्छा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी वहां पर भी होगी। कुछ ना कुछ तो चीन के भी, चाइनीज गवर्नमेंट के भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे। तो दूसरी मेरी बात यहां पर यह है कि भाई प्रोडक्शन, एक तो गोमूत्र और गोबर ठीक है, एक वो आप एक दूसरे उसके बीच में चले गए कि हमें ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक उसके बीच के अंदर में हम आ गए, लेकिन उससे प्रोडक्शन कितना इंक्रीज करेगा, मेरा पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल, जब आपके पास में इंटरनेशनल इतना बड़ा बाजार पड़ा हुआ है, तो आप अपनी क्षमता चाइना के साथ कंपीट करने में प्रयोग में क्यों नहीं लेकर के आते? आइए सर, सबसे पहली बात कि चाइना में किसानों को डायरेक्ट गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। उनको कोई चीज चाहिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। यहाँ गवर्नमेंट एक एक किसान को कुछ प्रोवाइड नहीं करवा सकती, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, हम एक मजबूत सरकार ही नहीं दे पाते। नहीं, पिछले सर 10 साल से एक मजबूत सरकार है सर, मेजोरिटी की सरकार है, राज्य सरकार है, राज्यों में नहीं, राज्य देखिए आप सेंटर और राज्य को, राज्यों की भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम सरकार है सर। देखिए, जो कुछ आप ये लगाकर के चले, आज हिंदुस्तान के अंदर में तकरीबन मोर देन 60% राज्यों के बीच के अंदर में एक ही सरकार है। ये 10 साल से कम वहां पर तो आए, 10 साल से जी वहां, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने
बहुत कुछ काम करके दिखाया जी। हम मुद्दे से भटक जाएंगे कि हाँ, कांग्रेस और भाजपा वाला इशू हो जाएगा, लेकिन हम इस पे नहीं आते। देखिए जहां कमियां है मैं बोलूंगा, वो भले बीजेपी हो भले कांग्रेस हो कोई भी हो, कि एक तो सरकार का ध्यान किसानों की तरफ बहुत कम है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। चाइना के बाद वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पे आते हैं कृषि प्रधान पे जी। और उसके बाद भी सरकारों का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है मेरी। दूसरी दिक्कत सिर्फ फर्क यही है कि वहां ह्यूमन वेस्ट से प्रोडक्शन किया जा रहा है, और मैं कह रहा हूं हम हमारा जो सनातन धर्म में शुरू से बोला गया है कि गाय या भैंस ये जीव हमारे को अमृत तुल्य है जी। हम इनके वेस्ट से जो शुरू से पता जाए इनका अमृत है, आज भी कैंसर के अंदर गौमूत्र ही साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये चीजों को क्यों नहीं हम वेस्ट करने के बजाय हम इसको यूज में लाएं। नहीं अभी 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 हम राजस्थान पर वापस आते हैं। हाँ नहीं तो मुद्दे से व्यूअर्स भी गाएंगे कि क्या नहीं, इसमें मैं ये कुदरती डिबेट है तो मैं इसमें बता रहा हूँ जी। एक एक सेकंड का टाइम लूंगा कि हमारे को इस पे फोकस करके हमारे को इसको फसलों में यूज करना चाहिए। जिस जिसने किया है पिछले 2 साल में, मेरे पास बहुत किसान है, बहुत डाटा उपलब्ध है, जिस जिसने किया उसकी फसलें बहुत बढ़िया निकली हैं। जो लोगों के दिमाग में है हम पेस्टिसाइड नहीं करेंगे यूज तो हमारी फसलें खराब होंगी, तो साहब मैं आप लोगों को बता दूं मेरे पास कई किसान है, कहेंगे तो मैं उनको बुला के यहां पे इंटरव्यू करवाऊंगा, जो बताएंगे उन्होंने पिछले 1 साल से गौमूत्र और गोबर का मिश्रण यूज कर रहे हैं, उनकी फसलें बहुत अच्छी रही हैं, बीमारियां कम लगी हैं और उनकी फसलों में मजबूती बहुत आई है, प्लस जमीनों की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ी है उनकी। ऐसे में कई किसानों को बुला लूंगा, जिस दिन आप मेरे को बोलेंगे उस दिन मार्केट टाइम टीवी के ऑफिस में मैं कई 100 किसान बुला सकता हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली जल्दी इसका शो करेंगे, ये कहना चाहिए बिल्कुल ये करेंगे और उन किसानों के साथ बैठ करके इस शो को हम डिजाइन करेंगे, इससे लोगों को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मैं वापस राजस्थान के आपके टूर पर आता हूँ। आप राजस्थान गए और लहसुन की सभी मंडियां लगभग आपने देखी और फील्ड पर भी आप गए जी। आपने बताया कि जो लहसुन इस बार राजस्थान की में देखने को मिला उसमें मजबूती कम है, उसकी जो लाइफ है शेल्फ लाइफ उसकी शेल्फ लाइफ कम है, ठीक है। इसका ये मतलब माने कि जो स्टोकिस्ट है उसको स्टोक करने से परहेज करना चाहिए, स्टोक नहीं करना चाहिए और लंबे समय के लिए स्टोक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें सर मैं कहीं मना नहीं कर रहा स्टॉक कहने से, लहसुन स्टॉक कहना चाहिए क्योंकि अप डाउन बहुत है, मार्केट अप डाउन बहुत रहेगी, फसलें बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है, एक बार डिस्पैरिटी भी आएगी डिमांड और सप्लाई का, एक वो भी दिखेगा आपको। जो हमने स्टॉक करना बहुत सोच समझ के देख के आंखें खोल के करना है कि कौन सा लहसुन डैमेज दिखता है या लग रहा है कि डैमेज हो सकता है, तो उस पर हमने हाथ नहीं रखना, हमारे को लगता है मजबूत है तो हमने लेना। तो इसका इफेक्ट तो किसानों को भी के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि किसान तो अभी अच्छे भाव की उम्मीद कर रहा है, हालांकि बाजार दोबारा उठे हैं। भाव इससे बढ़िया सर। देखिए मैं आपको ना एक सेकंड का टाइम देंगे, मैं कुछ लहसुन मेरे को किसानों ने गिफ्ट दिया था जी जी जी। एक मिनट ये देखिए कुछ तो बट गया। अरे वाह बहुत बढ़िया। ये लहसुन आप देखिए जी, ये भी तो वही हुआ है जी। ये एमपी से आया लहसुन मेरे पास, कपिल धाकड़ रियावन सिल्वर करके उसने एक नई वो बनाई है। ये एमपी से है, ये एमपी से आया। अच्छा एमपी से आया। लेकिन ये सैंपलिंग के लिए हाँ, ये अच्छा। ये बीज राजस्थान में भी लगा है। अच्छा ये बीज पंजाब में भी लगा है। अच्छा ये बीज हरियाणा में भी लगा है। अच्छा और उसके ये देखिए आप लहसुन एक एक साइज देख लीजिए, 50.260 cm का साइज है ये। हाँ उससे बड़ा ठीक है। क्या हमारे को विदेशी लहसुन इसके आगे टिकेगा? हाँ ठीक है। ऐसा लहसुन हमारे को देखने को नहीं मिलता। मतलब ये है बताने का कि जब हम इस पे ध्यान ही नहीं देंगे किसी भी चीज पे, और किसान देखो हमारे हिंदुस्तान में किसान ना पहले कहते थे अनपढ़ है, अब अनपढ़ नहीं है,
पढ़ लिख गया, उसके बच्चे पढ़ लिख गए जी। दिक्कत क्या है, किसान भोला है जी। उसका बच्चा भले जितना पढ़ लिख गया हो भोला है, वो ये देखता है। मेरे पड़ोसी ने क्या टेक्निक यूज करी, मैं भी वही कहूंगा, वो ये देखता है कि जी अगर मैं माल बेचने गया हूँ, मेरे पड़ोसी ने अगर उसका ये भाव बिका है तो मेरा अगर उससे 2 रुपए ऊपर बिका है तो वो उससे 2 रुपए ऊपर बिका है तो जी चलो मेरा बहुत हो गया। उसने ना तो कभी सोचा कि इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रही है, मैं उस हिसाब से चलूं जिसमें आपकी तारीफ है माइकी टाइम टीवी की, मैं मुंह पे नहीं कर रहा, दुनिया जानती है, जिससे आपकी एक बहुत बड़ी तारीफ है कि आप इंडियन मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी कवर करते हैं, बिल्कुल राइट बिल्कुल। अब यहाँ पे जब हमारे को एक ही प्लेटफॉर्म पे इंडियन मार्केट क्या है, किसान को पता चलता है जी मैंने फसल उगा ली, हिंदुस्तान में कितनी फसल हुई, कितनी डैमेज हुई, कितनी सही हुई, आगे क्या टेंडेंसी रहनी चाहिए जी। मैं सब कॉमोडिटीज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लहसुन की नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। विश्व में जो इसके उत्पादक देश है वहां क्या फसल है, कितनी हुई, वहां क्या भाव है, वहां की टेंडेंसी क्या रहेगी। मैं अभी आपको बताऊं जी, ये लहसुन जो आपने मुझे दिखाया है जी, इससे बहुत छोटे साइज के अंदर में, ये आप मार्केट टाइम्स टीवी ने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही एक स्टोरी जो है वो सिंगापुर से की थी, तो सिंगापुर की एक स्टोर के ऊपर पे जब हमारे एक पत्रकार ने इसका सर्वे किया कि यहाँ पे लहसुन क्या रेट बिक रहा है, तो वहां पे 50 ग्राम जो लहसुन था वो तकरीबन 117 रुपए का बिक रहा था। 50 ग्राम लहसुन की मैं ये बात कर रहा हूँ आपको, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे लहसुन क्या रेट पर था आज की तारीख के अंदर, और भारत का ही लहसुन जो भारत से एक्सपोर्ट होकर के वहां पे गया हुआ था इंडियन गार्लिक जी, और उसमें इंडियन गार्लिक के 2 आपके शॉट्स और एक में 4 थे, ठीक है। ये लहसुन तो उसके मुकाबले बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि जहां उसके 4 थे वो ये 1 पीस है। अब मैं ये बात आ जाता हूँ, यही एक जो डिफरेंस है मार्केट टाइम्स टीवी अन्य से एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश में है कि किसानों के पास जो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मंडीज की इंफॉर्मेशन ना जाए, हिंदुस्तान के अकेले की इंफॉर्मेशन ना हो, पूरे विश्व की इंफॉर्मेशन हो, ताकि उसको एक फोरकास्ट मिल सके, उसको एक प्राइस डिस्कवरी मिल सके। अब मेरा जो सवाल आपके से है कि राजस्थान, एक मिनट के लिए टोक जी, सिर्फ यही वजह है जो चाइना का किसान जी आगे बढ़ता है जी, जो चाइना का किसान हर चीज में आगे है, आगे है जी, क्यों है जी, इसे उनको एक प्लेटफॉर्म पे जी, उनको एक प्लेटफॉर्म पे सारी ऑल ओवर वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है राइट। वो उसको पता है कि मेरे को अभी बेचना, मेरे को 2 महीने बाद बेचना है, या मेरे को अभी बेचना है तो क्या भाव बेचना जी। वहाँ किसान रेट निकालता है जी, हिंदुस्तान में एक भी मंडी ऐसी नहीं है जहाँ किसान रेट निकालता। देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है, देखिए कृषि प्रधान देश में किसान भाव नहीं निकालता। देखिए प्राणा जी, मैं इस पे थोड़ा सा डिफर करता हूँ जी, वो इसलिए करता हूँ, हिंदुस्तान कृषि प्रधान है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप किसी भी कालखंड को उठा लीजिए, पुरातन से पुरातन काल पर आप चले जाइए, चाहे हड़प्पा संस्कृति पर चले जाइए, चाहे आप मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर चले जाइए, जो फसलों का जो रेट है वो हमेशा से बाजार ही तय करता आया है, और बाजार जो है वो डिमांड और सप्लाई पर चलता है राइट। किसान ने अपनी ही फसल लेकर के आनी होती है, लेकिन बाजार के अंदर बैठा हुआ जो ट्रेडर है, आप भी ट्रेडर हैं, आपको मालूम है कि आज आजादपुर मंडी के अंदर में कितना ट्रक माल आया होगा, उसी हिसाब से आप भी परचेज करेंगे, उसी हिसाब से आपको भी एक सिनेरियो पता चलेगा कि भाई माल की बताओ जी, एक ट्रेडर या एक व्यापारी जी वो कैसे तय करता है जी, वो ये देखा आज कितनी गाड़ी आई, हाँ आज कितनी वही डिमांड और सप्लाई कितनी नहीं है, उस हिसाब से वो रेट निकालता है, वो डिमांड और सप्लाई क्या ये रेट चलता है, क्या ये रेट अगर किसान को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड की, तब उसके पास हिंदुस्तान तब उसके पास एक उस पर डाटा हो राइट कि जी आज हमने एक लहसुन निकाला और आज विश्व में 60 रुपए किलो है और मेरा 20 मांगा जा रहा है, तो 20 में 30 हो सकता है, हमने रख दिया 30 रुपए। देखिए वही पुराना सर, मैं आपसे यही बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको वॉच करते हैं, आपको फॉलो करते हैं,
किसान आपसे सलाह भी लेते हैं कि जी आप अब हम लहसुन को रखें या कितने दिन और रखें, संभालें, कब बेचना चाहिए, तो ये जो फोरकास्टिंग है ये उनको किसानों को एक बेटर प्राइस जो है मुझे लगता है कि दिलवा रही है। अब मैं वापस उसी सवाल पर आ रहा हूं कि स्टॉकिस्ट ने जो इस समय पर माल को स्टॉक किया हुआ है, पहला मेरा सवाल उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है। आपने कहा कि माल खराब हो सकता है तो क्या वो एक महीने डेढ़ महीने के अंदर निकाल दे, अगर निकाल देगा तो एकदम से मार्केट के अंदर में फिर से ब्लड सप्लाई इसकी बढ़ेगी, फ्लड आ जाएगा माल का, तो क्या ये माना जाए कि जैसे ही यहाँ पर सप्लाई चेन इंक्रीज करेगी स्टॉक पाइपलाइंस फुल हो जाएंगे तो फिर प्राइस क्रैश कर जाएंगे। सर हमने कहीं भी मैं घबरा नहीं रहा, किसी भी मार्केट को किसी भी स्टॉकिस्ट को नहीं कह रहा कि अभी घबराओ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपने अगर खरीद लिया जी या आप खरीदेंगे जी तो देख के खरीदें कि माल डैमेज ना हुआ हो, माल को धूप ना ज्यादा लगी हो, क्यों माल पे फंगस ना आ गया हो, उसी हिसाब से खरीदो कि कल को आपको लॉस ना हो, कि कल को आपको लॉस ना हो, ठीक है। इसमें मैं किसी को नहीं कह रहा माल उठा के एक महीने बाद निकाल दो, आप सिर्फ अपना माल देखो, माल आपको लगता है आपका माल सही है तो माल आराम से, जिन किसानों के पास इस समय पर माल है वो सेम सिचुएशन उनके साथ है, आप अपना माल चेक कर लीजिए इस समय पर उनको निकाल देना चाहिए इन भावों पे माल, या भी होल्ड करना चाहिए? नहीं, माल सब खेतों में से निकल चुका है, कुछ सूख रहा है, कुछ गोडाउन में जा चुका है। अब ये जो भाव है 100 से 150 का, ये भाव हमारा बहुत एक अट्रेक्टिव भाव है, हैंडसम प्राइस है, तो इस पे निकाल देना, इसमें हमारे को अपना 40-50% माल निकालना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप कैसे लोग काम आते हैं जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है जी, तो ये क्वेश्चन अगर किसानों तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए आप लोगों के माध्यम से जी, कि विश्व क्या कह रहा है, विश्व में फसल कितनी है जी, चाइना में कितनी है, तजाकिस्तान में कितनी है, इजिप्ट में कितनी है, और उस हिसाब से हमारी फसल कितनी है जी, आप लोग बैठ के डिबेट करते हैं, जो डिबेट करी और इसमें ये छोड़ निकलता है कि जी अगर 100 से 150 का भाव है ठीक है निकालना चाहिए या अभी रोकना चाहिए। क्या इस समय पर अभी एक्सपोर्ट के सौदे हो रहे हैं? सर डिमांड्स निकल रही है, इंक्वायरियां बहुत है, इंक्वायरियां खूब आ रही है, देखिए लेकिन मैच्योर होगी या नहीं होगी, लेकिन इस भाव में इंक्वायरियां मैच्योर नहीं हो रही। अच्छा, 100 से 150 के रेट में इंक्वायरियां मैच्योर नहीं हो रही, 50 से 100 के रेट में इंक्वायरियां फुल मैच्योर हो जाएंगी, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ जब 100 से 150 का रेट है तो इसमें हमारे को धीरे धीरे माल बेचते रहना चाहिए, एकदम स्पीड से निकालेंगे फिर मार्केट टूटेगी, हमने एकदम स्पीड से नहीं निकालना, हमने आराम आराम से निकालना है, समय बहुत है हमारे पास, हमारे पास आने वाला साल फरवरी तक खूब समय है, जिसमें हमारे पास मैं आपके फार्मर इतना लंबा होल्ड कर पाएगा कोई दिक्कत नहीं, कहता है सर फार्मर कहता है, मैं स्टॉक करने को कह ही नहीं, मैं कह रहा हूँ निकालो लेकिन धीरे धीरे निकालो, अब ये कोई इस साल नहीं, लहसुन हर साल फार्मर एंड तक निकालता, फसल तो अभी निकल गई, सारी फसलें अभी निकल जाएंगी, कुछ निकल रही है कुछ एक आध महीने में और पूरे हिंदुस्तान का लहसुन निकल आएगा जी, तो लहसुन स्टॉक में तो जाता है जी, कोई भी नई लहसुन की फसल 5 महीने बाद या 6 महीने बाद नहीं निकलेगी। इस सीजन के अंदर वापस 30,000 का भाव आएगा? सर ये कहना मुश्किल है, वजह क्या है, कितना डैमेज होता है, धूप कितनी पड़ती है, पिछले साल क्या था, जैसे धूप तेज पड़ती थी बारिश होती जा रही थी तो लहसुन डैमेज नहीं हुआ था। अभी हिमाचल की क्या स्थिति है? हिमाचल में फसल बहुत अच्छी है, अब देखिए एक कितने फोन बसते हैं आपके साथ, हिमाचल की स्थिति बहुत बढ़िया, फसल बहुत बढ़िया हुई, यही अगर 1.5 महीने पहले वैसे आप पूछते हिमाचल की स्थिति तो हिमाचल में पानी की शॉर्टेज की वजह से फसलें बहुत हाल खराब था, सिर्फ 5 दिन की बर्फबारी हुई महीना पहले, वहां एकदम टनाटन हो गई फसलें, अब फसलें निकलने का हिमाचल का टाइम आ गया, और 15-20 दिन बाद हिमाचल का माल निकलना चाहिए। उत्तराखंड से भी माल आता है? उत्तराखंड में भी माल होता है। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है, हालांकि मध्य प्रदेश के कई व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने वापिस से एक तेजी का मोमेंटम लहसुन के अंदर बताया जी, और उस तेजी का मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते देखा भी, भाव जो 13,000 रुपए 12,000 रुपए पर आ गए थे और वहीं ट्रेड हो रहे थे 11,000 से 13,000 रुपए के बीच में, बढ़िया उठती का लहसुन मिलने लगा था,
वो वापिस से बूस्ट कर गया, जंप कर गया और 20,000 रुपए जैसे मैंने आपको बताया उसको भी उसने टच किया और अगली आवाज जो वापिस है वो तेज होने लगी क्योंकि तेजी में तेजी नजर आने लगती है सर। एक्चुअली ना कुछ लोग हैं जो इस चीज का नजायज फायदा भी उठाते हैं जी। अब खैर इसके ऊपर तो अभी मैं दोबारा आऊंगा, जो अभी मेरा सवाल है मैं उस पर जा रहा हूं। अभी मौसम बड़ी तेजी के साथ बदल रहा, जो इस समय पर आपका ज्योग्राफी जो चेंज हो रही है पूरे विश्व स्तर के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो ये इस सीजन के अंदर में जहां पर बर्फबारी कभी एक्सपेक्ट नहीं की गई थी उत्तराखंड में और हिमाचल में, वहां पर अभी कल और परसों शुक्र शनिवार को वहां पर हिमपात हुआ है, बर्फबारी हुई है, अच्छी मेजर बर्फबारी हुई है। लेकिन वहीं अगर मैं मैदानी क्षेत्रों की बात करता हूं तो वहां पे नॉर्मल से 4 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है जी। तो इन दोनों कॉन्ट्रास्ट को आप किस नजर से देखते हो, क्योंकि अभी लहसुन की फसल इन पहाड़ी क्षेत्रों से आनी है, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हो। अगला मेरा सवाल यह है कि अगर मैदानी क्षेत्रों के अंदर में अभी गर्मी और ज्यादा बढ़ती है जिसकी संभावनाएं बड़ी प्रबल दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो अगर इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर में गर्मी और ज्यादा बढ़ती है तो उसका लहसुन के ऊपर पे क्या आप प्रभाव देखो। मैंने वही आपको बोला, आपने पूछा था कि ये क्या समय है स्टॉक करने का जी। जितनी गर्मी तेज पड़ेगी उतना लहसुन के लिए खतरनाक है सब जी, क्योंकि इसकी चद्दर कम है। अब जैसे आम आदमी को समझ नहीं आएगा, ये चद्दर, ये जैसे लहसुन है साहब जी, इसकी इस पे चद्दर है, एक चद्दर उतरी फिर दूसरी उतरेगी तीसरी, 6-7 चद्दर होती है जी। और जब ये सारी चद्दर उतर जाती है तो ये जैसे ये लहसुन पे देखिए, इसमें सब पे बहुत बढ़िया चद्दर है, इसमें एक हरापन दिख रहा है जी, दिख रहा है जी। ये देखो एक मैं आपको दिखाऊंगा जी, ये हरापन है, ये हरापन देख रहे हैं जी जी जी। इसको खोल कर दिखा सकते हैं? नहीं, ये अभी ठीक होगा। अच्छा, ये जो हरापन आया हुआ है ये बंद चद्दर में पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये हरापन, हाँ ठीक है, ये धूप लग गया इस पे। अच्छा, अब ये किसान को भी नहीं पता उसके लहसुन पे कौन सा धूप ज्यादा लगी है। हाँ, ये उसने धूप में सूखने डाला, जब तक ये पत्तियां पूरी सूख ना जाए, अभी भी गिरी है लेकिन, हाँ ठीक है, ये जब तक सूख ना जाए, हाथ से टूट के गिर ना जाए, तब तक इसमें नमी है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ये हमने लहसुन निकाला इसका, ये जब तक ये हरा है ठीक है, हाथ से भी टूट जाएगा ठीक है, जब ये पूरा सूख नहीं जाएगा इसका मतलब लहसुन में नमी है, ठीक है ठीक है जी। किसान ऐसे माला बना के ये टांग देते हैं, खेतों में रख देते हैं, टांग देते हैं, ठीक है। अब जो ये हरापन मैं दिखा रहा था, ये लहसुन इसी में था जी जी जी, तो जो ये मैं हरापन दिखा रहा था ये देखिए अब साहब, आप जूम करके दिखा सकते हैं, जूम करके आप इसको दिखा सकते हैं, ये हरापन देखो, तो ये इस पे चेका लग चुका। अच्छा, इस पे धूप ज्यादा पड़ गई पर ये बीमार हो सकता है लहसुन। अच्छा, ये लहसुन डैमेज हो सकता है, ठीक है ठीक है। अब ये कब पता चलेगा, ये पता चलेगा 1-1.5 महीने बाद, जब प्रॉपर एक 50 डिग्री 45-48 डिग्री का टेम्परेचर खेतों में होगा, तो इस पे ये कितना झेल पाएगा, कितना नहीं, कितना डैमेज होगा, ये डैमेज होगा तो आसपास के लहसुन को कितना कह लेगा, ये सारा 1 महीने बाद इसका रिजल्ट निकलेगा। ये तो हो गया राजस्थान और एमपी के लहसुनों का, तो जिसको भी अभी स्टॉक करना है हिमाचल और उत्तराखंड, जिसको अभी स्टॉक करना है एमपी और राजस्थान का, वो ये चीज देख के करेगा कि ये हमारा लहसुन हम जो खरीद रहे हैं वो चेका खाया हुआ है कि नहीं। अब आ जाते हैं हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, जो पहाड़ी इलाके हैं जहां लहसुन अब निकल रहा है जी, निकल रहा है या 15-20 महीने बाद निकल जाएगा जी, वहां धूप की दिक्कत नहीं है, वहां इतनी गर्मी की दिक्कत नहीं पड़ती, वहां चेका नहीं होता लहसुन में, वहां सबसे बड़ी खासियत यही है, वहां चेका नहीं होगा, वहां आता है कि लहसुन को पानी पूरा मिला कि नहीं मिला, तो पानी मिल गया तो अच्छी फसल हो गई, लेकिन बेमौसम बर्फबारी का क्या असर आप देखते हैं सर? देखिए बेमौसम बर्फबारी ऑब्वियस है, नेचर जब करवट लेगी, नेचर कभी भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी डिफरेंस करेगी, ऑब्वियस है उसमें फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
अब वो कितना किस चीज को बढ़ता है, क्या फसलें कहीं है, सेब भी होता है तो मटर भी होता है तो लहसुन भी होता है, अदरक भी होती है, अब वो कौन सी चीज पे ज्यादा इफेक्ट करेगी, कभी तो जमीन में है जी, तो अभी इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से जी जी जी, और कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये सब निचोड़ निकलेगा जब ये फसल निकलेगी कि बेमौसम, क्योंकि ये तो यहाँ वहां का जो किसान है ना ओरिजिनल, उसको भी बेचारे को नहीं पता होगा, क्योंकि वो भी पहली बार ये देख रहा होगा कि मई में या अप्रैल में बर्फ पड़ गई, बर्फ पड़ गई बिल्कुल, इससे पहले उसने भी नहीं देखा होगा, तो उसके लिए भी एक नई चीज है, वो भी बेचारा इस टाइम सरेंडर करके बैठा होगा कि जो भगवान को मंजूर है अब देखेंगे वही होगा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहां भी अनएक्सपेक्टेड मौसम चेंज होगा वहां ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो हलचल है, अब हम बचते कहां है, मुद्दा है कि एक गरीब आदमी को बचाना कहां से, एक गरीब किसान को बिना कोई भी सरकारी मदद लिए हुए आप अपने ज्ञान से कहां तक उसको सुझाव दे सकते हो कि आप बचे जी। तो सर आप गांव में रहे हो कभी? जी बिल्कुल, बचपन ही वहीं बीता, बचपन बीता हमारा नहीं बीता हाँ। लेकिन आप जब रहते थे कौन सा गांव है आपका? हरियाणा में नागोकी गांव है, नागोकी गांव। जब आप रहते थे वहां जब गर्मी होती है ना जी, जब पूरी ठेठ गर्मी पड़ती है तो वहां जो गांव की औरतें हैं ना जी, तो वो जो गांव के लोग हैं वो अपने घर को जो गोबर है उससे लीपते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज भी लीपते हैं, आज भी लीपते हैं जी। हमारे शहरियों को नहीं पता होगा लीपना किसको कहते हैं जी जी। तो जब पेंट कहते हैं वो गोबर का पेंट कहते हैं, गोबर का बिल्कुल, पतले ठंडक रहती थी राइट, कि उसको ठंडक के लिए बिल्कुल। तो ये टेक्निक्स थी जो पुरानी टेक्निक्स है आज भी काम आती है जी जी। यही टेक्निक को मैं कह रहा हूँ आप खेती जो हमारी बंजर होती जा रही है, जो जमीन बंजर होती जा रही है, आप लोग दोबारा घूम के इसको यूज करो। अब किसान क्या है, किसान खर्चा करने को तो तैयार है कि वो देख रहा है यार अब लागत आ गई, बीघे पे 25,000-30,000 की लागत आ रही है, और जो हम कह रहे हैं उस पर लागत ही नहीं है कुछ, गोधन आपका गाय या भैंस आपके पास है, सिर्फ आपने उसको स्टोर करना है और स्टोर करना है, उसको खेतों में डालना है, थोड़ा सा वो एक वो प्रोसेस है जो कि केमिकल की बॉटल ली उसको स्प्रे किया, उससे थोड़ा सा मेहनत का प्रोसेस है वो। लेकिन आने वाली आप फसलों में, इसमें कोई 2 साल बाद नहीं बोल रहा हूं, जस्ट आने वाली फसल आपको उसमें दिख जाएगी कि उसका रिजल्ट क्या है। जैसे हम इसमें घूमते हैं दोबारा तो आपको फर्क दिखेगा, आपको जो मौसम करवट बदल रहा है उसका असर जो 100% होना है वो सिर्फ 20% होगा। ये यहाँ पे हम लेकिन अभी आज की तारीख में इन किसानों को क्या करना चाहिए जिनके हाथ में इस समय पर माल है? देखिए जी, जो 100 से 150 का भाव है एमपी और राजस्थान के किसान में अभी हाथ में माल है, हरियाणा पंजाब का माल अभी निकल रहा है, कुछ निकल भी गया है, 100 से 150 का भाव जो मैदानी इलाका है उस भाव में माल को हमारे को बेचना चाहिए, 50%-60% बेचो। तो अगले 15 दिन के बाद क्या जो पहाड़ी इलाकों के जो किसान हैं, हिमाचल के, आपके उत्तराखंड के, आपके जम्मू के, तो क्या उन किसानों को भाव मिल पाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या ये आज के भाव मिलेंगे, तब तक स्थिर रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। क्या ये माने कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी 15 दिन मतलब देखिए 15,000 से 15,000 के आसपास के भाव स्थिर रहे? मैदानी इलाके का रेट हाँ, और पहाड़ी इलाके का रेट फर्क है। क्या कितने क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है? अच्छा, यहाँ पे ऐसा माल किसी पे देखने को मिलेगा हाँ। वहाँ लगभग सब पे इससे मोटा माल होता है। अच्छा, जो हम मोटी कली का लहसुन खाते हैं हाँ। बहुत मोटा वो हिमाचल का माल होता जी, उनके रेट्स अलग होते हैं। अच्छा, 50 रुपए किलो का नॉर्मल डिफरेंस होगा ही होगा। अच्छा, मैं ये जो बोल रहा हूँ उठा पटक इस साल पूरा रहेगी, हमारे को घबराना तो है ही नहीं जी, कोई बहुत बड़ा लहसुन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 100 से 150 का भाव है, हमारे को इसमें 60% अपना माल बेचना चाहिए, इकट्ठा नहीं बेचना, हमारे को हर रोज के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से, हर 10 दिन में 15 दिन में आप बेचिए, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, घबरा के नहीं बेचिए।
और 30,000 रुपए का रेट अभी आप सर, मैं रेट बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मेरे साथ दिक्कत यह है, मैंने रेट बोल दिया, किसान माल ही नहीं बेचेगा। नहीं वो लोग अगर खुराना ने बोला 300 का रेट आएगा तो वो बेचेगा ही नहीं। अच्छा कितने कितने परसेंट चांस है सर? देखिए 50-50 लगता है, 60-40 लगता है, 70-30 लगता है। सर देखिए सारा गेम है, मैंने बताया ये महीने डेढ़ महीने बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तब आप भी बोल रहे हो आपको खुदाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक महीने बाद पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी, माल डैमेज कितना हुआ, वर्ल्ड में कितना माल निकला है, वहां रेट्स क्या है। बिल्कुल, कल को वो हमारे कल को इम्पोर्ट भी तो हो सकता है। जी जी, अगर कल को इम्पोर्ट होता है तो उस हिसाब से हमारे को कितना किस रेट पे तैयार रहना चाहिए। अगर इम्पोर्ट होगा तो मार्केट क्रैश कर जाएगा, 101% क्रैश होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपने ये इम्पोर्ट शब्द प्रयोग में लाया तो कहीं आपके पास ऐसी कोई इंट्यूशन है कि? बिल्कुल इंट्यूशन नहीं, रिपोर्ट्स है सर। अच्छा, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट्स है कि आ सकता है, लेकिन अगर हम 100 से 150 हम ज्यादा इसको करेंगे ना तो दिक्कत आएगी, किसान या व्यापारी कोई इस चक्कर में मारा ना जाए, गलत उसमें आ जाए। 100 से 150 का जो रेट है, इस रेट में हमारे को 60% माल बेचना चाहिए, 40% आपके ऊपर है, आप इसके ऊपर रिस्क खेलो कि नहीं खेलो। आदमी को होता है कि मैंने, जैसे मैं बोलता हूँ कि किसान की तरह पैदा करो, व्यापारी की तरह बेचो। मैं शुरू से यही मुद्दा था कि किसान की तरह पैदा करो, व्यापारी बुद्धि से बेचो। ठीक है, वही मुद्दे में मैं आपको ला रहा हूँ कि आप किसान की तरह पैदा कहिए, आपने 60% ये जो रेट है इसमें रेट बेचना चाहिए। आप 60% बेच के फ्री हो गए, आपकी लागत निकल गई, मुनाफा भी मिल गया। आप 40% है, इसमें पूरा साल पड़ा, जब मन चाहे बेच लो। बिल्कुल। अच्छा, जब 60% बेचा होगा, अगर इम्पोर्ट भी हो जाता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो नुकसान झेलने की ताकत आ चुकी होगी। अब आप राजस्थान का दौरा करके आए, अगला दौरा? मेरा जी नेक्स्ट मंथ में MP जाने का पूरा प्लान। अच्छा, MP से बहुत बुलावा है। नेक्स्ट मंथ समझे अप्रैल मिड या मार्च में हम बैठे हैं। अप्रैल मिड या अप्रैल एंड में मैं MP के लिए निकलूंगा। ठीक है, और आपको भी इनवाइट करता हूँ, मेरे साथ चलिए। जैसे हमारी टीम्स वहाँ पे राणा जी रहे थे, आप भी चलिए। हमारी टीम्स, आपकी टीम तो है, मिलेंगी और कोशिश हम भी करेंगे कि आपको, आप चलिए। बिल्कुल कोशिश करें। क्या होता है मनचंदा साहब, जब हम नीचे उतर के चलते हैं ना, तो हमारे को तब सामने लोगों का दुख दर्द भी पता चलते हैं, ग्राउंड रियलिटीज पता ग्राउंड रियलिटी। हमारी कोशिश भी यही है कि मार्केट टाइम स्टीव जो है वो ग्राउंड पे उतर के ग्राउंड रिपोर्ट कहते हो आप ऑलरेडी कहते हो। बिल्कुल, और ग्राउंड पर एक्चुअली जीरो ग्राउंड के ऊपर जब तक आप नहीं उतरोगे तब तक एक्चुअल रिपोर्ट नहीं मिलती। तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सर्वे का एक हिस्सा बने। बिल्कुल, और जो चीजें जो है वो कैमरे पे कैद करके देश और दुनिया के जितने भी किसान हैं उन तक पहुंचाए, और बल्कि हमारी तो ये भी कोशिश अब रहेगी जल्द ही आपको जो विदेशी बाजार है उनकी भी पल पल की जो जानकारी है वो। ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा कि अगर आप लोग विदेशी बाजारों का भी जी महीने में एक बार डिबेट कर दें जी, तो समझे ये किसानों के लिए अमृत तुल्य चीज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो करेंगे और बिल्कुल एक फैक्ट और फिगर्स के साथ में। हाँ। जैसे पिछली बार इम्पोर्ट की क्या डिमांड हो रही है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। हाँ। क्योंकि देखिए इसी से ही किसान भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, उस हिसाब से एक ट्रेडर के भांति वो भी एक डिसीजन ले सकता है। किसान भी कर पाएगा, व्यापारी भी उसी से सिक्योर हो पाएगा। बिल्कुल निश्चित हो, क्योंकि जब तक एक्चुअल रिपोर्ट नहीं पता चलेगी सब हवा में तीर मार रहे हैं। जी 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 जी, कमाते हैं बड़े बिग शॉट्स, तो उसमें किसानों का जो हक है वो उनका वो सेफ हो जाएगा, वो सेफ रहेगा। व्यापारी जो व्यापार करता है छोटा वो भी बचेगा जी, बड़ा तो बचता ही, अपने आप को बचाए। जी जी जी, उनके पास टीम्स हैं, रिसर्च मेंटेन करने के लिए टीम्स हैं। आपने आज छुट्टी वाले दिन रविवार के दिन समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जितेंद्र खुराना जी को सुन रहे थे, लहसुन की पूरी जानकारी कि इस समय पर लहसुन का बाजार क्या कहता है, 20,000 के बाद क्या अब 30,000 का रास्ता नजदीक है या लंबा है, उस पर थोड़ा सा जितेंद्र जी बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी वो इसके ऊपर में कुछ नहीं कहेंगे, एक महीने बाद स्वयं बाजार जान जाएगा कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला जारी है, जैसे इन्होंने अपने उस पर भी लिखा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम जी।